हेलो गाइस, मैं हूँ पूर्वा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क के बारे में। अभी आपको लग रहा होगा कौन सा नेटवर्क मेरा फेवरेट है, फेसबुक? नहीं यार, वो तो मैं कई सालों पहले छोड़ चुकी हूँ। इंस्टाग्राम? मैं कोई मॉडल थोड़ी ना हूँ जो इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंस करूँगी लोगों को। मैं बात करने वाली हूँ ट्विटर की। ट्विटर के बारे में एक्चुअली लोगों को मिसकंसेप्शन ये है कि वहाँ पे ओनली सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े नेता लोग और उनके सपोर्टर्स ही होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि ट्विटर पे कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। ट्विटर को लोग ट्विटर समझ ही नहीं रहे हैं। कोई इसको इंस्टाग्राम बना रहा है, कोई इसको टेंडर बना रहा है, कोई इसे पॉलिटिकल अखाड़ा समझ के लड़ रहा है, तो कोई कवि सम्मेलन कर रहा है। ये सब फिर भी ठीक है, लोग इसको शादी.com भी बना रहे हैं यार। शादी.com सीरियसली। शुरुआत करेंगे मोटिवेशनल स्पीकर से। ये लोग जो है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट सब कुछ हमको विश करते हैं, वो भी बड़े बड़े क्वोट्स के साथ। इन लोगों के क्वोट्स इतने संस्कारी होते हैं कि कभी कभी मैं ही कॉपी करके फैमिली ग्रुप्स में डाल देती हूँ। अच्छा, इंप्रेशन पड़ता है यार, आप भी क्या करो। इन लोग के ट्वीट्स कभी भी वल्गर नहीं होते हैं, फुल ऑन संस्कारबाजी होती है इनमें। मंडे मोटिवेशन, थर्सडे थॉट्स, वेंसडे विजडम, ये इनके फेवरेट ट्रेंड्स होते हैं। इवन संदीप माहेश्वरी भी इनके ट्वीट्स को फॉलो करे ना, तो उसको इन लोग से ज्यादा मोटिवेशन मिल जाए। फूड लवर्स, नाम से पता चल रहा है ये लोग ना बहुत खतरनाक होते हैं। इन लोग को बिल्कुल नहीं पड़े होते कि बेचारे किसी की फीलिंग्स के साथ खेल रहे। रात के दो दो तीन तीन बजे इनको गार्लिक ब्रेड, केक और ये सब पोस्ट करने की समझ पड़ती है। जितनी बद्दुआ इन लोग को मिलती है ना, उतनी बद्दुआ ट्विटर पे किसी को नहीं मिलती है। जब देखो तब कभी केक पोस्ट किया, कभी आइसक्रीम पोस्ट की, पानी पूरी तक पोस्ट कर देते हैं यार ये लोग। सोचो, दिल नहीं इनके पास। अरे भैया, शायरों की कोई कमी नहीं है ट्विटर पे, पूरी महफिल जमती है शायरों की। तो इन लोग को दुनिया के ट्रेंड से कोई लेना देना नहीं। वॉर हो रहा है, मर्डर हो रहा है, दुनिया में कुछ भी हो जाए, पर ये इनकी शायरी कंटिन्यू रखें। हाँ वही टाइटेनिक वाला सीन यार, वो म्यूजिशियन बजाते ना म्यूजिक, सेम वही कैटेगरी है ये। इनकी शायरी सुन के ना गुलजार साहब ने भी शायरियां लिखनी बंद कर दी है। पता है आपको, रात के 10 बजे से पंकज उदास की आत्मा आ जाती है इनके अंदर। 10 बजे के बाद देखो आप सारे ट्वीट, इतने आरआर मिलेंगे ट्विटर पे आपको कि वो पढ़ पढ़ के आपके मन में लगे कि इसके दुख के आगे मेरा दुख तो कुछ नहीं। नाइस डीपी पीपल, हाँ जी आप सही समझ रहे हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां, सुंदर सुंदर लड़के के काम होते हैं। इन लोगों ने ना ट्विटर को पूरा इंस्टाग्राम बना के रखा हुआ है। बिंदी ट्विटर, झुमका ट्विटर, रेड ट्विटर, व्हाइट ट्विटर, ब्लैक ट्विटर, सारे रिच इन लोग को ही मिलते हैं। आप देख लो जितने इंगेजमेंट इनके ट्वीट्स में होते हैं ना, बेचारे जो अच्छा कंटेंट लिखते हैं, अच्छे मीम बनाते हैं, उनके ट्वीट्स में भी इतनी नहीं होती है रिच। फ्लर्टी यूजर्स, इन लोगों का काम है सुंदर सुंदर लड़कियों के ट्वीट्स में जाके उनकी तारीफ करना, भले वो ट्वीट पॉलिटिकल हो या कोई सैड ट्वीट हो, लेकिन ये जाके जरूर बोलेंगे नाइस डीपी, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आपको पता है इनका फेवरेट प्लेस है डीएम। डीएम में हर खूबसूरत लड़की के डीएम में इनका मैसेज रिक्वेस्ट पड़ा होगा, उसमें यही लिखा होगा हेलो यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। यानी कि ट्विटर की सेलिब्रिटीज जो कि नॉन ब्लूटिक और ब्लूटिक वाले जो मेहनत करके सफलता पाके फिर सेलिब्रिटी बने, मैं उनकी बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ नॉन ब्लूटिक वालों की। इन लोग की भावना बॉलीवुड सेलिब्रिटी से भी ज्यादा होते हैं। ये कभी किसी के ट्वीट पे कमेंट नहीं करते, ये कभी किसी ट्वीट कर रिट्वीट नहीं करते। ये जो सेलिब्रिटी बने ना, वो बने डेड फॉलोअर्स को रिमूव करने से, जबकि उन्हीं फॉलोअर्स को फॉलो अनफॉलो करके ये लोग सेलिब्रिटीज बनते हैं। पंडित जी, यहाँ मैं पूजन पाठ वाले पंडित की बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं राम मिलाई जोड़ी वाले पंडित जी की बात कर रही हूँ, जो कि एक दूसरे का रिश्ता तय करते हैं। ट्विटर पे क्या होता है कि लोग कमेंट करते हैं, कमेंट योर यूजर नेम एंड आई विल पे यू विद सम पर्सन, बस हो गई, ना कुंडली मिली ना फैमिली मिली, कर दिया तुमने।
ये लोग का फेवरेट गेम होता है एट द रेट 3 विल गिव यू किस, एट द रेट 4 विल गिव यू हग। अब भैया वो कश्मीर में बैठा है, वो कन्याकुमारी में बैठे, बट फिर भी होगा ये। इन लोग का फेवरेट काम और भी होते हैं, ओपिनियन लेना, ओपिनियन देना। भैया किसी को क्या पड़ रही है किसी के ओपिनियन की, बट स्टिल पीपल डू। अब आती है प्रमोशनल कैटेगरी। इन लोग का काम होता है प्रमोशन करना, प्रोडक्ट प्रमोशन, यूट्यूब प्रमोशन, ये प्रमोशन वो, बेसिकली सेलिब्रिटीज लोग यही काम करते हैं। कभी कभी तो क्या होता है पता है, ये लोग एक घंटे पहले किसी चीज के अगेंस्ट ट्वीट कर रहे हैं और उसी के बाद एक घंटे बाद ये उसी के फेवर में ट्वीट करते हैं। हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया तू चाह क्या रहा है। फिर आते हैं ग्रुप्स वाले। दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं ट्विटर पे, एक आरटी ग्रुप और एक चैट ग्रुप। आरटी ग्रुप का एडमिन किसी जज से कम नहीं होता। अगर किसी ने आरटी नहीं किया है ना, तो उसको 3 लोग जाके वार्निंग देते हैं, भैया तूने मेरा आरटी नहीं किया, भैया तूने मेरा आरटी नहीं किया, भैया तूने मेरा आरटी नहीं किया। ये तो ठीक है, 3 वार्निंग मिली, उसके बाद आरटी ग्रुप का एडमिन जाके उसको बोलते हैं भैया तुम आरटी करो नहीं तो हम ग्रुप से निकाल देंगे। मतलब फुल टू डॉन बाजी होती है इनकी। फिर आते हैं हमारे चैट ग्रुप वाले। चैट ग्रुप वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता टाइमलाइन पे क्या हो रहा है, कौन क्या ट्वीट कर रहा है, कौन क्या ट्वीट नहीं कर रहा है। ये लोग ऑल टाइम 24 hours चैट ग्रुप में लगे रहते हैं, चैटिंग, इसने ये किया उसने वो किया। बस ये लोग ग्रुप से तभी निकलते हैं जब इनके किसी ग्रुप मेंबर ने ट्वीट किया हो और उस पर किसी की लेनी हो, मस्ती मजे लेने हो, बस तब। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे फेवरेट कैटेगरी है मेरी मीमर्स और ट्रोलर्स की। ये लोग किसी के सगे नहीं होते हैं, ये सबको ट्रोल करते हैं, इवन अपने आइडल्स को भी ट्रोल करते हैं। कभी कभी तो कोई नहीं मिलता तो अपने आप को ट्रोल करते हैं, अपने ही मीम्स बना देते हैं यार। इन्हीं के कारण ट्विटर सबसे इंटरेस्टिंग प्लेस है। जो भी ट्रेंड बना आपको 2 सेकंड के अंदर मीम्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस। आई होप आपको ये मजा आया हो देखने में। आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो प्लीज कमेंट में मुझे बताओ। आप मुझे ट्विटर पे भी बता सकते हो, अभी के अभी मेरा ट्विटर जाके फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखे है, ये है मेरा हैंडल। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अच्छी बातें सबके साथ शेयर करो। बाय, थैंक यू।